यह सुनकर आश्चर्य होगा और होगा भी क्यों नहीं। कंधे पर बंदूक और पास में करोड़ों रुपयों से भरा पेटी बक्सा पर दिया तले अंधेरा वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। और क्या, सिकोट्रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SIPL ने ऐसे बंदूकधारी गनमैनों की गिनती सैकड़ों में है जो महानगर के विभिन्न ATM में रुपया भरने वाले वैन के साथ चलते हैं, रुपयों से भरे बक्सा की सुरक्षा करते हैं। पर यह क्या, इनकी आर्थिक रक्षा कंपनी करने के बदले न तो तनख्वाह दे रही है और न ही PF जमा कर रही है। अब इन सैकड़ों गनमैनों की सुरक्षा व न्याय का जिम्मा ATAC ने लिया है। वो 15 से 15 सॉफ्टवेयर में 15 दिन की सैलरी रोक लेते हैं एक्स्ट्रा हम लोगों की, और उसके बाद जब कोई साथी हमारा रिटायर होता है या रिजाइन देता है तो 15 दिन की एडवांस सैलरी दिखा के ग्रेजुएटी से उसकी 15 दिन की सैलरी और काट ली जाती है। 15 दिन की तो पहले काटी और 15 दिन की ग्रेजुएटी से काट करके 1 महीने सफाया कर देते हैं, 1 महीना हमारा वर्कर का उड़ा देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि हम 2 सेटलमेंट हुए हैं कोर्ट में और 1 भी सेटलमेंट आज तक कंपनी ने लागू नहीं किया है। सारे लोगों का PF कहाँ जमा हो रहा है आज तक पता नहीं है, पूरा का पूरा नेट पर कहीं दिखाई नहीं देता। हम सारे साथियों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारा मैंने बीमा करा दिया है, 5 लाख का बीमा है, लेकिन आज तक कई साथी हमारे ऑन एक्सपर्ट ड्यूटी पर ख़त्म हो गए लेकिन किसी को कोई PF कोई बीमा नहीं मिला। एक गनमैना भाई हमारा मारा गया ऑन ड्यूटी पर, उसको भी आज तक एक पैसा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कंपनी में समस्या क्या है कि जब भर्ती करते हैं उस टाइम जो जॉइनिंग डेट होती है उससे जो PF कटना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, वो ये नहीं देते हैं। 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये लागू करते हैं। दूसरा जो गनमैन है सर, हमारे यहाँ जो कैश वैन चलती है, कैश वैन पे गनमैनों का जो एज ए रूल जो पुलिस की गाइडलाइंस है और साथ में कोर्ट की गाइडलाइंस है वो ये है कि 2 गनमैन एक गाड़ी पे जाते हैं जाएंगे, लेकिन ये ज़बरदस्ती 1 गनमैन भेजते हैं जिसके कारण हादसा होता है, गनमैन मारे जाते हैं, गाड़ियां लुट जाती हैं। प्रवीण लहवा, SIPL सिकोट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेबर का जो लाइसेंस होता है वो कंपनी ने ना लिख के और 5 वेंडरों को उनको रख लिया है और उनके द्वारा काम करा रहे हैं और कंपनी के जो लोग हैं उनको बेरोजगार किया। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं सिकोट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ड्राइवर के पद पर कार्य करता हूं और हमारे केस हरिनगर कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें कंपनी ने अलीगल तरीके से 5 कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां रख रखी हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का लाइसेंस नहीं है और हमारे कंपनी लोगों को टारगेट किया जाता है, जो कि 17 लोग अलीगल तरीके से टर्मिनेशन किए गए हैं, जिसमें मैं गवर्नमेंट से और कोर्ट से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। मैं SIPL कंपनी में काम करता हूं, जन्म डेट ऑफ बर्थ है उसको भी इन्होंने गलत कर दिया है। मेरे बेटे से भी छोटी एज बना दी है, 1992 दिखाया गया है, वो सारा बिल्कुल एकदम से गलत कर दिया है। हमारा जहाँ भी देखा जाए वहीं गड़बड़ी करते हैं और हमारा PF भी 27-28 महीने से दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे है। नमस्कार सर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह ब्राह्मण वाले सर। सर मैं SIPL कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक SIPL के बारे में छोटा सा शेयर बोलना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं अपनी दिक्कतें बताऊँ कि SIPL में एक से एक नगीने आते हैं, मेरी SIPL में एक से एक नगीने आते हैं और बात चमचों की सुनते हैं तो पसीने आते हैं। कभी भी मेरी SIPL में आकर देख लिया दोस्त, एक से एक झूठे और कमीने आते हैं। सब मेरी कंपनी में कुछ बात हो या ना हो लेटर पहला दे देते हैं। मेरा 3 साल का PF बीच में गायब है सर, तो प्लीज़ सर, प्लीज़ विनती है कि हमारी सपोर्ट किया जाए, हमें हमारी मदद की। मैं SIPL सिकोट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गनमैन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी कंपनी सर करती कुछ और है, करती कुछ और है, मौके पर कोर्ट में जाकर के हाथ जोड़ लेती है और पीछे आकर के फिर वार करने पर तैयार रहती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि ये हमारी बातें और आगे तक जाए और हमें न्याय दिलाने की। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को अभी तक PF के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी भी अपने टेलीफोन से PF ऑफिस में कॉल मारता हूँ लेकिन हमारा जो PF है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। 2014 में मेरा 68,125 रुपये था जो कि आज तक मेरे को उसके बारे इसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
की जो बैठक है जो दिल्ली ने जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको लेकर के उसमें वो थी, और SIPL जो सिक्योरिटी है जिसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं कंपनी जो उसमें वायलेशन कर रही है, जैसे मिनिमम वेज नहीं दे रही है, PF का जो है पैसा कम जमा किया है, उसके करोड़ों रुपए कंपनी ने हड़प लिया है, और जो वर्कर्स को टर्मिनेट किया उसके बारे में आज की जो मीटिंग थी। ये करीब 2500 से ज़्यादा अधिक वर्कर्स हैं जिनके बारे में उसमें ये था, PF कम दे रहे हैं, जैसे बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी उन्होंने दर्शाई है, जबकि अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो है पूरी सैलरी के ऊपर उसके मुताबिक उसमें PF का बेनिफिट मिलना चाहिए, छुट्टियाँ बोनस सभी उसके ऊपर मिलना चाहिए, जो कि उसने कम। ये मामला जो है मिनिमम वेज का जो है उसमें जॉइंट लेबर कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट के यहाँ चल रहा है, और क्या नाम सेक्शन 29 का जो है जो उसने एग्रीमेंट करके पैसा ने उसमें नहीं किया वो असिस्टेंट लेबर कमीशन के सामने साउथ वेस्ट के सामने। PF का जो मामला है वो RPFC दिल्ली साउथ एक अभी जो है जो उनका एग्रीमेंट का वायलेशन है उसका भी उसमें डिग्री इनके खिलाफ उसमें शुरू हुई है, उसमें 1,45,00,000 रुपये के इसके खिलाफ डिग्री कंपनी के खिलाफ अभी जारी हुई है, और उसके बाद जो है इसमें अभी इनके जो वायलेशन है सेक्शन 29 का उसका उनका मालिक के खिलाफ जो है सजा के लिए जो अभी कोर्ट जो है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के जो है डिपार्टमेंट केस उसमें डालेगा, और उसमें जो मिनिमम वेज का है वो अभी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्कर के बेनिफिट हैं कानून को हम भी लागू करें, कानून को मैनेजमेंट भी लागू करें, लेकिन कानून को मैनेजमेंट जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपना रहा है, उनको कुछ वर्कर्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, कुछ निकाल दिए हैं उसमें 17 वर्कर निकाल दिए, अभी हम शांतिपूर्वक उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि कानून हमारे साथ है, मैनेजमेंट के सभी केस उसके खिलाफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट ये उत्साहित कर रही है उत्तेजित कर रही है कि मजदूर कुछ हरकत करें ताकि वो कानून से बचे। आज जो यहाँ पे मीटिंग थी वो सिकोटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ। सबसे पहले मैनेजमेंट ने दो सेटलमेंट किए थे कि मजदूरों को हम कुछ सुविधाएं देंगे, लेकिन उसको उन्होंने लागू नहीं किया, उसके खिलाफ उनके खिलाफ वहाँ लेबर ऑफिस में 29 का मुकदमा लगाया गया है, और 17 कर्मचारियों को उन्होंने नौकरी से निकाला है उनका भी मुकदमा वहाँ पर चल रहा है, और कुछ सेटलमेंट का वायलेशन जो किया था उन्होंने उसके लिए ऑलरेडी 1,45,00,000 रुपये का लेबर डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ ऑर्डर किया है। और दूसरा अभी मिनिमम वेज की जो मेन हमारी लड़ाई है मिनिमम वेज की, जो मिनिमम वेज अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लागू किया है उसको मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, DA जो आया महंगाई भत्ता उसे भी नहीं दे रहा है, उसकी भी शिकायत श्रम कार्यालय हरिनगर में चल रहा है जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर मिस्टर MK गौड़ देख रहे हैं, और वहाँ पर मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मजदूरों का जो केस है उसको दबाया जा सके, लेकिन ATAC यूनियन ने ये प्रण किया है कि जब तक मजदूरों को अधिकार नहीं मिलता है तब तक संघर्ष छोड़ने वाले नहीं हैं, और मिनिमम वेज का भी केस वहाँ पर दायर कर दिया गया है, जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत क्लियर किया गया है कि जो मिनिमम वेज नहीं देता मालिक उसके खिलाफ 10 गुना जुर्माना लगना चाहिए, वो केस हमने वहाँ पर फाइल कर दिया है। बोनस का जहाँ तक सवाल है, बोनस का केस वहाँ पर मैनेजमेंट के खिलाफ चल रहा है जिसमें पूरी वेतन पे जो बोनस देना चाहिए वो मैनेजमेंट ने भुगतान नहीं किया है, उसका केस चल रहा है मैनेजमेंट के खिलाफ, उसमें 25 तारीख की तारीख लगी है, और उसमें निश्चित किया गया है बोनस अधिकारी संजय कुमार ने निश्चित किया है कि आप रिकॉर्ड दिखाएं और जो कम बोनस दिया है आप उसे दें, नहीं तो आपके खिलाफ चलान किया जाएगा और आपके खिलाफ रिकवरी का प्रावधान आगे किया जाएगा, ये सब कार्रवाई वहाँ पर चल रहा है, और मैनेजमेंट CL एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वायलेशन कर रहा है, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, कोई लाइसेंस नहीं लिया है, और करीब 5 ठेकेदार अपने अंदर रख रखा है जो काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के बिना रजिस्ट्रेशन के, उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और उसमें डायरेक्शन दिया है लेबर डिपार्टमेंट ने चालान लगाने के लिए जो लग चुका है, और वहाँ डायरेक्टर को कोर्ट में बुलाने के लिए कार्रवाई जारी।